तो प्यारे बहन भाई, सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अभी निकलने वाला है और मौसम बहुत खुशगवार है। तो आपके यहाँ की चाय के बर्तन धो रही हैं, तो बाहर का माहौल आपको दिखाते हैं कि परिंदे कैसे सुबह सुबह अपना काम करते हैं, खुराक की तलाश में जाते हैं। तो कौवा भी चिल्ला रहा है कि मुझे भी कुछ दो। परिंदे आ चुके हैं, ये देखें, जो बाजरा था उसको खाने के लिए, और जनाब मौसम बेहतरीन है, सूरज निकल चुका है। ये देखें प्यारे दोस्तों, खूबसूरत सूरज की लाइट आ रही है, और जो अभी परिंदे हैं ना, वो जो बिजली की तारे हैं उन पर भी बैठे हुए हैं और अपनी अपनी खुराक की तलाश में इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं। तो प्यारे बहन भाई, सूरज निकल आया है और बेगम साहब चाय बना रही हैं सुबह सुबह। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, चाय बन रही है? हाँ जी। अच्छा, तो खाना नहीं बनाया बच्चों का? बच्चे आज को जाएंगे? आज नहीं बच्चे जाएंगे, आज बच्चे बीमार हैं, सभी बच्चे बीमार हैं, क्योंकि न सर्दी के आने की शुरुआत से ना बच्चों को नज़ला जुकाम हो गया है, अब तो कहीं भी आज नहीं जा रहे। चलो ठीक ठीक है, उनको छुट्टी करा लो। हाँ, और चाय बना करना उनको कुछ, फिर डॉक्टर से ना कोई इंजेक्शन, कुछ बिस्कुट वगैरह जिशान को कहती हूँ ले आए ना कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिस्से मान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह से ही मैं आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो देहात में या हमारे गाँव में सुबह सुबह क्या क्या काम होता है, हम क्या क्या काम करते हैं। कुछ तो मैंने काम दिखाए हैं अभी कुछ, क्योंकि मैं कपड़ों में नहीं था। काम जो हम करते हैं ना, वो कपड़ों में नहीं होते, बुनियान और चादर। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको गोबर उठाते हुए या और काम करते हुए आपको दिखाऊं। तो इंशाल्लाह अभी चाय सुबह पी थी और खाने पीने का आपकी आंटी बंदोबस्त कर रही हैं, देखें क्या बना रही हैं। या मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि लोग भी तो ऐसे ही दिखाते हैं, यानी कि बार बार ये कहते हैं हम फलां जगह पर जा रहे हैं लेकिन जाते नहीं हैं, और सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन मैं तो जहां भी कहता हूं वहां जाता ज़रूर हूं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो YouTube है ये सिर्फ इसी चीज़ का नाम है, धोखे का नाम है। तो मैं इस चीज़ से या इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, और आपकी आंटी बना रही हैं कुछ खाना पीना, तो वो दिखाते हैं आपको, और उसके बाद फिर घास बनाएंगे। घास बनाने के बाद फिर मैं जाऊंगा, यानी कि बहावलपुर। तो ठंडी हवा बेहतरीन चल रही है, सुबह भी ठंडी हवा चलती रही है, सर्दी की आमद आमद है। तो इंशाल्लाह परेशानी एक ये है कि पानी अभी नहीं बना, तो घास कैसे काश्त करें। मैं तो यहाँ पर ऐसे समझ ले कि जैसे कोई बंदा फंस गया हूँ, समझ नहीं आ रही ना। तो अपना पानी बना सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कास्टली खर्चा आता है, और उनकी मेहनत करता हूँ, तो क्योंकि जो जिनकी ज़मीन है वो तो यानी इस पे लीज़ पे दे के चला गया है ठेके पे, और जो ठेके वाले हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है। उन्होंने कम अज़ कम ना 450 एकड़ ठेके पे लिया हुआ है, कभी वो कहाँ पर होते हैं कभी कहाँ पर होते हैं। तो ये इंसान की परेशानियाँ, ये तो इंसान के साथ हैं, लगी हुई हैं, कभी अच्छाई होती है और कभी। तो ज़ीशान भी अभी ठीक नहीं हुआ, उसका गला अभी भी यानी कि मसला उसमें है। तो आज उनको भी इंजेक्शन लगवाना है, और जो छोटी बच्ची है वो परेशान कर रही है, क्योंकि उसको टाइफाइड है ना, टाइफाइड की वजह से ना उसको फिर नज़ला ज़ुकाम होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा बुखार आता है।
तो अभी वो सर पर ना पटका बांध कर सोई हुई है, तो उसका भी कुछ ना कुछ करना है। तो ये परेशानियाँ इंसान के साथ लाहक हैं, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह चल रहे हैं और चलते रहेंगे। प्यारे बहन भाइयों, अंडे आ चुके हैं, क्योंकि अब जो है हमारे यहाँ सर्दी शुरू आना हो चुकी है, तो बच्चों के गले ख़राब हैं, तो आज इसलिए अंडे बना रहे हैं। तो तवा गर्म हो जाए ना, फिर ऊपर डालते हैं और बनाने की तैयारी करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, तवा गर्म हो चुका है, अब अंडों को मैंने बना लिया है, और इसमें मैं डालती हूँ तो प्यारे दोस्तों, आपकी आंटी अपनी कारीगरी दिखा रही हैं। हाँ जी, ये कारीगरी तो नहीं है, ये तो मैं भी बना लूंगा, मैं बनाने नहीं लूंगा ये। हाँ जी, क्या होता है इसको, क्या कहते हैं, अंडे की रोटी या क्या कहते हैं इसको, आमलेट? आमलेट तो और होता है कोई चीज नहीं, ऐसे ही बनता है। अच्छा, आमलेट ऐसे बनता है, अच्छा चलो ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों को बुखार होने की वजह से ना आज कुछ भी नहीं बना रहे। मैंने इन्हें कहा है कि चलो आप बताइए क्या परेशान मैं हूँ, क्योंकि जब घर में नज़ला ज़ुकाम होता है ना, फिर टेंशन मुझे हो जाती है। मुझे फिर अगर थोड़ी सी खांसी लग गई तो फिर मैं बैठा हूँ, चल रहा हूँ फिर, तो ये टेंशन लगी रहती है, क्या करें। तो बनाते हैं, देखें बन जाए तो फिर बच्चों को इंशाल्लाह देंगे, और उसके बाद फिर क्या करना है, कोई घास वगैरह बनाना है? हाँ जी, घास बनाने की चाहिए। अच्छा, वो ख्याल कर देना, डालो ना यार, वो दूसरा वो जो वो होता है ना चम्मच, क्या कहते हैं उसको, चिमटा? हाँ जी, वो ले आओ ना। या हर दफा जाता हूँ, भूल जाता हूँ, हर दफा जाता हूँ, परेशानी होती है हर दफा मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज ले आऊंगा, जब फिर घर आ जाता हूँ तो फिर पता चलता है। ओह अच्छा, इस दफा ना लिख कर जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, जो रोटी बनानी थी वो रोटी नहीं बनी, रोटी मैंने पूरी बनाई थी लेकिन फिर गर्म था, गर्म थी ना। हाँ, फिर वो छोटे, चलो छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो कोई बात नहीं, तैयार तो हो गई है ना, आमलेट तैयार हो गया इंशाल्लाह। तो रोटी तवे की बना करना, फिर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनी है, उम्मीद है बेहतरीन बनी होगी। तो प्यारे दोस्तों, मैंने स्टोरी का कहा था, तो बहुत से मेरे बच्चों ने कहा है कि अंकल आप स्टोरी सुनाएं, इंशाल्लाह स्टोरी मैं कल स्टार्ट करूंगा, तो आपने तैयार रहना है। जो भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ प्यारे दोस्तों, वो रियल होती है, ऐसे ना समझ ले, क्योंकि मेरा चैनल वो नहीं है जो दूसरे दिखाते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, और आपकी आंटी, यानी कि हम अब बुढ़ापे की तरफ ही जा रहे हैं, चाहे हमारी उम्र थोड़ी है या ज़्यादा है, तो झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा है, हकीकत हमेशा हकीकत होती है, और हमने जब से चैनल बनाया है तो हमने कोशिश की है कि हम सच बोलें और सच्ची बात बताएं, और सच्चा जो कुछ भी होता है वो आपको दिखाएं। तो इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, टेस्ट करते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, आमलेट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस मेरे बहन भाई ने खाना वो आ जाए, अल्लाह सबको नसीब करे बेशक। तो आज यानी कि सर्दियों की आने में अभी, यानी सर्दियां आ चुकी हैं, क्योंकि रात भी बच्चे अंदर सोए थे, तो बाहर मैंने दिखाया तो था कि बाहर थोड़ी देर के लिए सोए थे, और पंखे की हवा बिल्कुल नहीं होती, और चलो लाइट कम होती है तो कोई बात नहीं, अंदर ही सो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, चलो हम बच्चे खाएंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा है, हाँ तवे की रोटी, आज तवे की रोटी है, तंदूर की रोटी नहीं है। मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो सिर्फ टेस्ट मैंने किया था, और आपकी आंटी पराठे बना रही हैं बच्चों के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह कल खाने के बाद हम जाएंगे घास बनाएंगे, और घास का जो एक गड्ढा है वो ले आएंगे,
कल एक और मेहमान भी आने वाला है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो मेहमान क्या है वो सस्पेंस में रहेगा, तो कल तक दीजिए इजाज़त। हम आखिर में आप सब के लिए दुआ करना चाहते हैं, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।